तो ताजा अपडेट लगातार बंसल न्यूज पर आप देख सकते हैं, कर्नाटक और मैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी की 79 सीटों पर रुझान की खबर है, कांग्रेस 73 पर आगे है, जेडीएस 25 पर, सिद्धारमैया दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। शिकारपुरा से बीजेपी के येदियुरप्पा आगे चल रहे हैं। तो ये पहले जो शुरुआती रुझान सामने आए थे, कांग्रेस उसमें बढ़त हासिल किए हुए थी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि जो वोटों की गिनती शुरू हुई थी 8 बजे, धीरे धीरे जो सिनेरियो, हालांकि अभी तक ये सिर्फ रुझान है जिसमें बीजेपी 78 पर है और कांग्रेस 74 सीटों के साथ आगे चल रही है, जेडीएस 25 सीटों पर आगे, लेकिन सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से ये दोनों ही सीटों पर पीछे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के सीएम कैंडिडेट येदियुरप्पा आगे चल रहे हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये बदलते रहेंगे और दोपहर बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन होगा राजा कर्नाटक का। लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, पूरे देश की नजरें आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना पर है और दोपहर होते होते स्थिति साफ हो जाएगी कि सूबे में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर भाजपा नई सरकार बनाएगी। मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी की निगाहें किंग मेकर माने जा रहे जेडीएस पर हैं, क्योंकि काउंटिंग से एक दिन पहले जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के सिंगापुर जाने पर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बता दें सुरक्षा के लिहाज से कई पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। काउंटिंग के मद्देनजर 11,000 पुलिसकर्मी, एक रैपिड एक्शन फोर्स कंपनी और 20 कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस को बंगलुरु में तैनात किया गया है। तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली खबर हो सकती है। सिद्धारमैया फिलहाल दोनों ही सीटों पर पीछे हैं, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। स्थिति तब तक साफ नहीं होती है जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते हैं। कर्नाटक किसका होगा ये इंतजार करना होगा। इन रुझानों के बाद धीरे धीरे नतीजे सामने आने लगेंगे और दोपहर होते होते स्थिति साफ हो जाएगी।